जी बिल्कुल, ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार कर्नाटका हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने जीएसटी विभाग के 21,000 करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस को खारिज कर दिया था। सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को जीएसटी काउंसिल में डिस्कस करेगा और उसके बाद ही इस पूरे मसले पर आगे की रणनीति बनाएगा। दरअसल कर्नाटका हाई कोर्ट में गेम्स क्राफ्ट नाम की कंपनी जीएसटी विभाग के टैक्स नोटिस के खिलाफ गई थी, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं चांस बेस्ड गेम्स से बिल्कुल अलग होते हैं, लिहाजा इस पर 28% जीएसटी नहीं लगना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का शुरू से ही ये तर्क है कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये सब एक तरह से गैम्बलिंग है और इस पर 28% जीएसटी लगना चाहिए। इस पूरे मामले पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी और साथ ही साथ जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पूरे मुद्दे पर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बनी हुई थी उसकी भी रिपोर्ट पर चर्चा होगी और जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। मैं बता दूं कि इसी महीने के आखिर में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है और इस पूरे मसले पर इसमें गंभीर मंथन हो सकता है।